चलिए अब रुक करते हैं कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का बड़ा विस्फोट हुआ है। प्रदेश में फिर सामने आए 52 नए ओमिक्रॉन संक्रमित। एसएमएस की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद एनआईवी पुणे ने इसकी पुष्टि की है। जयपुर में सर्वाधिक 38 केस मिले हैं ओमिक्रॉन संक्रमित। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 3, जोधपुर में 2, बीकानेर में 3 ओमिक्रॉन के केस सामने आए हैं। सीकर में 1, सिरोही में 3, भिलवाड़ा में 1 और अजमेर में 1 ओमिक्रॉन का केस पाया गया है। नए मरीजों में 9 लोग ऐसे हैं जो कि विदेश से लौटे हैं। इसके अलावा 4 व्यक्ति विदेशी यात्रियों के कॉन्टैक्ट में आने से संक्रमित हुए हैं। 12 मरीज अन्य राज्यों की यात्रा कर पिछले दिनों लौटे हैं राजस्थान, जबकि 2 मरीज पूर्व में पॉजिटिव पाए मरीजों के ही कॉन्टैक्ट में आए। इसके अलावा शेष बचे मरीजों के बारे में मालूम की जा रही है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री। प्रदेश में अब तक कुल 121 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, देखिए एक और तो जयपुर एपिसेंटर बनता जा रहा है कोरोना का, तो वहीं दूसरी ओर वही खौफनाक तस्वीर सामने आई है जिसका सभी को डर था। हाँ बिल्कुल, देखिए आयुष जी, जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि पूरे विश्व भर से फैलाने वाला जो वेरिएंट है उसका प्रकोप है राजस्थान में जबरदस्त तरीके से पड़ रहा है। अगर हम बात करें अभी की ताजा रिपोर्ट की, कुल 52 नए पॉजिटिव केस जो है ओमिक्रॉन के चिन्हित किए गए, जिसमें अकेले जयपुर के अंदर 38 के सामने आए और 38 के सामने आए विभिन्न जयपुर के विभिन्न इलाकों के हैं। इसके अलावा जो त्रोही, प्रतापगढ़ और बीकानेर में 3-3 केस सामने आए, जो कुल 2 केस सामने आए। सीकर, अजमेर और भीलवाड़ा में 1-1 केस सामने आया। लेकिन अब आप बात करें इन सबके बीच में इन पूरे मामलों के रिकवरी की, तो कुल 69 जो पुराने केस थे उनमें से 61 केस जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं। कुल राजस्थान में 121 केस की पुष्टि की गई है जो कि ओमिक्रॉन से संक्रमित है। लेकिन जिस तरह से जयपुर के अंदर लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, केस बढ़ रहे हैं, उससे ये प्रतीत होता है। और जितने जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई केस ऐसे जिसकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री अभी तक पता नहीं चल पाई है, उससे ये पता चल रहा है, अंदेशा जताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो इस फील्ड के अंदर स्प्रेड कर रहा है। जी चलिए विकास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।